दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली के बहुत बड़े फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे T20 और टेस्ट सीरीज खेलने के लिए रातों रात भारतीय टीम पहुंच गई। साउथ अफ्रीका, जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीका की धरती पर हमारे जाबाज खिलाड़ी अपने कदम रख चुके हैं। रोहित कोहली जैसे बड़े दिग्गज खिलाड़ियों के साथ कुछ युवा बल्लेबाज और गेंदबाज भी भारतीय टीम के मैनेजमेंट के साथ साउथ अफ्रीका की धरती पर अपने कदम रख दिए हैं। तो आखिरकार दोस्तों, रोहित कोहली के साथ और किन किन युवा खिलाड़ियों को साउथ अफ्रीका जाने का मौका मिला है, ये तो आपको वीडियो में बताएंगे, लेकिन यह भी आपको बताएंगे कि साउथ अफ्रीका और भारत के बीच T20 वनडे और टेस्ट सीरीज में किसका पलड़ा भारी रहने वाला है, कौन इस सीरीज में बेहतर प्रदर्शन करेगा। लेकिन उससे पहले, रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी हाल ही में 5 T20 मैचों की सीरीज समाप्त हुई, जिसमें भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने बहुत ही कमाल का प्रदर्शन दिखाया। ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह ने बल्लेबाजी में जहां दमखम दिखाया, तो वहीं पर गेंदबाजी पक्ष में रवि बिश्नोई, मुकेश कुमार और अर्शदीप सिंह ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 को मद्देनजर रखते हुए BCCI ने एक बार फिर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में युवा बल्लेबाजों और गेंदबाजों को ही T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में रोहित, विराट, KL राहुल जैसे बड़े खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। आपको बता दें, साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 सीरीज खेली जाएगी, उसके बाद वनडे सीरीज और सबसे लास्ट में टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। भारतीय टीम लगभग एक महीने तक साउथ अफ्रीका में रहेगी, जहां पर साउथ अफ्रीका की टीम को करारी टक्कर देगी। T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज और गेंदबाज साउथ अफ्रीका की धरती पर अपने कदम रख दिए हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह जैसे बड़े खिलाड़ियों के साथ कुछ नए चेहरे, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, रिंकू सिंह, रजत पाटीदार, साई सुदर्शन, दीपक चहर जैसे नए खिलाड़ी भी साउथ अफ्रीका के दौरे पर पहुंच गए हैं। भारतीय मैनेजमेंट के साथ इन सभी को एयरपोर्ट पर देखा गया। दोस्तों, आपको बता दें, हमारी भारतीय टीम T20 वनडे और टेस्ट तीनों फॉर्मेट में इस समय नंबर 1 पर है। ऐसे में साउथ अफ्रीका की टीम भारत के सामने टिक नहीं पाएगी, लेकिन दोस्तों, हमें इस बात से सावधान रहना होगा कि विपक्षी टीम भी कमजोर नहीं होती है, वह कभी भी पलटवार कर सकती है। T20 में भारतीय टीम का प्रदर्शन अभी आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखा कि किस तरह से हमारे खिलाड़ियों ने ताबड़तोड़ प्रदर्शन किया। ऐसे में हम सभी उम्मीद करते हैं कि साउथ अफ्रीका को पहले T20 सीरीज में हराएंगे, उसके बाद वनडे और टेस्ट सीरीज में भी धूल चटाएंगे। वैसे दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि टी सीरीज में कौन कौन से खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए सबसे अहम भूमिका निभाएंगे, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी खबरें सबसे पहले आपको मिलती रहे।